अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, नसीम फूड इंडियन रेसिपी में हम सभी का वेलकम करती हूँ दिल से। ये देखिए हमारे प्यारे से क्यूट से कैट्स हैं और नोमान लेकर उसको देख रहा था तो उसको बहुत पसंद आते हैं छोटे कैट्स। लेकर देखिए आपको दिखा रहा है वो, तो वही देख के बहुत खुश हो रहा था नोमान। तो देखिए छोटे प्यारे से बच्चे और हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ चिकन सेवई तहारी। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। ये देखिए मैंने चिकन को नमक और हल्दी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कोरिएंडर पेस्ट इसमें डाल के गला लिया है गोश्त को, और थोड़ा पानी इसका जाने तक अच्छे से चिकन को गलाना है। यहाँ पर मैं काट रही हूँ टमाटे और मैंने टमाटर चार ली हूँ, और इसको देखिए इसका थोड़ा ख़राब हो गया था तो निकाल कर इसको फेंक देंगे और टमाटर को अच्छे से काट लेंगे। और मैं हरी मिर्च ली हूँ और है कोथिमीर और है प्याज, प्याज मैंने चार लिए थे बड़े साइज के और कट करी हूँ। है पुदीना तो इसको छील रही हूँ। आपको आज का मेरा व्लॉग देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, आप नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स। आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा आज का व्लॉग देखते रहिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा। ये बस देखिए मैं अदरक मसाला पीस के रख ली हूँ, ये कोरिएंडर पेस्ट है और यह जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वही मैं आपको बता रही हूँ। पर मैं भगोने में तेल भी डाल दी हूँ, चलिए डालते हैं। यह डाटा घी है, आप ऑप्शनल है डालते तो डालिएगा नहीं तो चलेगा। यहाँ पर मैं चने की दाल को धो रही हूँ और दाल चावल बनाने के लिए तेल डाल दिया है, गर्म हो चुका था। प्याज को डाल देंगे, ये देखिए प्याज को अच्छे से भून लेना है तेल में। बहुत ही मज़ेदार की बनती है सेवई तहारी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जैसा बनाती हूँ वैसा ही बनाइए आप, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए दाल को मैं धो रही हूँ यहाँ पे और थोड़ा बाहर जा रही थी। ये देखिए बिल्लियाँ बैठी हैं कैट्स और बहुत ही प्यारी हैं। ये देखिए इसका नाम है सोनी और है जिमी और है हीरा। यहाँ पर देखिए प्लांट्स कितने हरे भरे हो गए, कल नाइट बारिश हुई थी तो ही ग्रीन से दिख रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आज का मौसम। ये देखिए यहाँ पर एक छत्ता है शहद का, कितना बड़ा हो गया है, पहले भी मैं शेयर की थी आप लोगों के साथ। ये देखिए ये मक्खियाँ इतने सारे बैठी हैं उस पर, तो ही मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए बिल्ली यहाँ पे बैठी है, कैट प्यारी सी, और मौसम भी देखिए बहुत प्यारा सा हो गया है। और ये अलवेरा के पौधे मैं लगाई थी तो वही कलर अच्छे से आए हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है गुलाब के, गुलाब के जैसे ही होते हैं, दासवाड़ बोलते हैं उसको। जिमी बैठ के देख रही है, ये देखिए इसको छेड़छाड़ कर रही थी मैं, खामोश बैठी है वो। चलिए मैं अंदर आ गई हूँ, चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो के रख लिए हैं। और ये हरी मिर्चियाँ दालचा बनाने के लिए, बैंगन और हरी मिर्च, टमाटर को कट कर लिया है। ये देखिए प्याज को अच्छे से भून लेंगे, अभी थोड़ा कलर चेंज होना है इसका, तब तक यहाँ पर गोश्त भी गल रहा है चिकन का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए दालचे को मैं थोड़ा पानी डाली हूँ, टमाटर बैंगन हरी मिर्च। अब इसमें मसाले डालते हैं, आप लोग ज़रूर ऐसा ही बनाइएगा तो दालचा बहुत अच्छा बनता है मज़े का। ये कोथमीर का पेस्ट ऐड करेंगे एक चम्मच, और है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अलग अलग ही पीस के रखती हूँ। चलिए अब इसको ढक लेते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये देखिए प्याज हमारी लाल हो गई थी तो इसको मैं वही देख रही हूँ, चेक कर रही थी अच्छे से लाल हुई है नहीं, थोड़ा कलर चेंज होने तक भुनना है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे कच्ची पकी प्याज नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से उसको कलर चेंज होने तक भुनेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और टमाटर को मैं डाल दी हूँ हरी मिर्च, टमाटर, कोथमीर। ये देखिए प्याज में मैं सब डाली हूँ, ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कोथमीर का पेस्ट भी मिक्स करके डाली हूँ, हल्दी पाउडर, ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच डालेंगे।
अब डालेंगे सॉल्ट, ये मोटा नमक है और इसे टेस्ट अच्छा आता है। धनिया मसाला है, गरम मसाला डालेंगे एक चम्मच। अब डालते हैं बिरयानी का एवरेस्ट मसाला, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर डालना। आपके पास जो हो गरम मसाला वो ऐड कर सकते हैं, होममेड भी चलेगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। होममेड का तो बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट, और एवरेस्ट का मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ मसाले डाल के, अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। यह पुदीना भी ऐड करेंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए चिकन भी गल चुका है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को ऐड कर लेंगे इसमें मसाले में। और देखिए बढ़िया सी यखनी बनकर तैयार है। दालचे को मैंने चढ़ा दिया है कुकर में दूसरे स्टोव पर, और यखनी भी अच्छे से बन गई है। ये देखिए यखनी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें दही को ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी ऐड कर लेते हैं 1 से 2 लोटे। आप जितना चावल लेते हो उसके क्वांटिटी में आप लेना पानी। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, अब इसको अदन आने तक पकाते हैं। और मैं चावल को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अब दम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लेना है, 10 मिनट तक दम के लिए छोड़ेंगे तो अच्छे से। ये सेवई ऊपर से सेवई डालकर दम छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर से पुदीना और कोथमीर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड तहारी बनकर तैयार हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी तहारी। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए हमने तहारी के साथ खाने के लिए दाल चावल और चिकन पकोड़े और तहारी बनाए हैं। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।